लोग आए ईस्टर्न वाला गेट है, उसके सामने में देखेंगे वेस्टर्न वाला गेट है, उसके पीछे एक गेट और है साउथ गेट, वर्कर्स कॉलोनी, जिन कारीगर लोगों ने काम किया था उनकी जनरेशन वहाँ काम करते हैं, उनकी फैमिली के लोग वो लौट के आपको दिखाएंगे कैसे क्राफ्टमैन कर रहा है, कैसे बना रहा है, जो आगरे की खास चीज मशहूर है। अच्छा, नॉर्थ में देखा है मेन एंट्रेंस गेट है, इस गेट की जो हाइट है 105 फीट का, यानी 33 मीटर का। ये ब्लैक वाला जो राइटिंग देखा है तीनों साइड की आर्च में लिखा हुआ, ये अरबी का कुरान है, अर्ली मॉर्निंग का प्रेयर वो साइड में जो अरबिक में जितनी साइड के पहले में लिखा हुआ। हाँ, लेकिन इसका खूबी क्या है कि नीचे का लेटर छोटा बनाया है, आहिस्ता आहिस्ते उसको बड़ा करते चले गए। अच्छा। तो जब आप कोई भी चीज दूर से देखेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी। अगर मान लिया हमने वही चीज छोटी वहां ऊपर ली दिए तो नजर नहीं आनी चाहिए, तो इंक्रीजिंग द लेटर पर्सपेक्टिव, तो दैट्स कॉल्ड ऑप्टिकल इल्यूजन। और ब्लैक वाला जो ऑनिक्स है वो बेल्जियम से आया हुआ इंडियन स्टोन नहीं, व्हाइट मापों को काटा है, ब्लैक मापों को फिट किया हुआ फिगर बना करके। अच्छा, तो फ्लावर्स भी दिख रहे हैं आपको? हाँ, वो ऐसे जोड़ दिया, जोड़ नहीं दिया, इनले किया हुआ। ये फ्लावर से दिख रहे हैं आपको, देखने में पेंट कलर इंक लगेगा लेकिन सब रियल जेम्स लगे हैं, सेमी प्रोसेस्ड। अच्छा, कोरल है रेड वाला, ग्रीन जेड है चाइना का, येलो वाला है जैस्पर इंडिया का, ब्लैक वाला जो ऑनिक्स है बेल्जियम का। इस पे 43 तरीके के स्टोन्स लगे हुए हैं। ऊपर में देखा है 11 गुंबद, छोटे छोटे 11 डोम, 11 इधर में है और 11 इसके पीछे, यानी 22, तो टोटल ताज में 22 बरस बना 22 ईयर्स में। जब एक साल खत्म एक दो में से 22 दो में 22 साल में, लेकिन मेन गेट बाद में बनाया, पहले मेन बिल्डिंग बनाया 17 साल के अंदर में। ये 210 कमरे हैं टोटल मिला के अंदर और बाहर। उस जमाने में कोई होटल वगैरह नहीं होते थे, तो लोग जो ताज में देखने के लिए आते उनको ठहरने जगह गेस्ट रूम, अभी जो है सिक्योरिटी गार्ड रहते। अच्छा, यहाँ रहते हैं सिक्योरिटी, देखिए सामने ताले लगे, पहले डोर वगैरह नहीं होते थे, ओपन रूम बट डोर सिक्योरिटी पर्पज से इनको बनाया। 10 कमरे हैं टोटल मिला करके, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में जो मेन एंट्रेंस है, और ये गेट की जो खूबी है देखिए फ्लावर से देख रहे हैं आपको, ये सब इंडिया वर्क वगैरह स्टोन का काम है, बाकी तीनों गेट को। पानी चला के 2 दिन छोड़ देते हैं, उसके बाद में सिंपल तरीके से धो देते हैं। अच्छा, अगर केमिकल यूज करेंगे तो मार्बल खत्म हो जाएगा। या बैठे ताज मींस क्राउन, यानी सर का ताज, महल मींस पैलेस, यानी रहने की जगह, लेकिन रहने का जगह नहीं, शाहजहां की मुमताज की कब्र बनी हुई ग्रेवयार्ड। तो मुगल लोग जो आए थे मंगोलियन से 1526 में, तो सबसे पहले बाबर आए, बाबर के बाद में हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनाया, शाहजहां के बाद में औरंगजेब, औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह, उसके बाद में अंग्रेज लोग आ गए 1803 में। तो ताजमहल जो बनाया है 5वें बादशाह ने अपनी बेगम की याद, यानी शाहजहां की 4 बेगम थी, 3 बेगमों से कोई बच्चे नहीं थे, चौथी बेगम तो मुमताज से 14 बच्चे हुए। तो 1612 में शादी हुआ शाहजहां से और 1630 में मर गई, यानी 18 साल के अंदर में 14 बच्चे। जब उनका शादी हुई थी उनकी उम्र थी 21 साल की, जब वो मरी थी उनकी उम्र थी 39 साल की, 39। जब मुमताज ने 14 बच्चे को जन्म दिया जब उनका डेथ हुआ था एमपी के अंदर बुरहानपुर में, 6 महीने डेड बॉडी उनका मर रखा मम्मी बना करके और 6 महीने गार्डन में, उसके बाद में उनको यहाँ दफन किया, तब ताजमहल बनाना शुरू करा 1 साल के बाद। तो 1631 में शुरू करा और 1653 में कम्प्लीट हो गया, यानी 22 साल, इसलिए 22 ही गुंबद बनाए और 20,000 लोगों ने काम किया और 4 करोड़ रुपया खर्च हुआ जमाने में। तो ताजमहल की जो हाइट है
243 मीटर यानी 81 मीटर 81 मीटर हाइट है। ऊपर में देखें ब्रास का जो पोर्शन लगा हुआ है ये पहले ज़माने में गोल्ड का था। अच्छा। तो जब अंग्रेज लोग आए तो गोल्ड निकाल के ले गए, पीतल का लगा दिया। अच्छा। और 30 फुट 6 इंच का इसका हाइट है उसका, 10 मीटर का। और अभी लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ टॉफ लगा। हाँ, डोम का जो हाइट है वो 30 मीटर में 30 डायमीटर में। और जो मीनार का ऊंचाई देख रहे हैं 51 मीटर 153 फीट है, यानी चार साइड में चार मीनार बनी है। इसका मतलब शाहजहाँ की चार वाइफ। दूसरा वक्त मीनार आपको देखने में सीधी लगेगी, लेकिन सीधी नहीं, 2 डिग्री आउट है, झुकी भी इस तरीके से। कभी भी अगर यहाँ पे भूकंप वगैरह अगर आएगा अर्थक्वेक तो बाहर गिरेंगे बिल्डिंग से, अंदर में नहीं जाएंगे। और इसकी जो मेन आर्किटेक्ट जो डिज़ाइनर है वो तुर्की के रहने वाले जिनका नाम था ईसा अफंद, और जो अरबी के लिखने वाले थे वो अमानत खान शिराजी थे, ईरान के रहने वाले। तो शाहजहाँ की चौथी बीवी थी ईरान के रहने वाली, बाकी 3 बीवियाँ इंडियन थी, उनको बैरिट किया होता है, उनसे कोई बच्चे नहीं। ये बिल्डिंग आईटी साइड में देखा है, पेड़ के पीछे रॉयल गेस्ट हाउस है, उसमें लेफ्ट में मस्जिद है, क्योंकि मक्का है वैसे साइड में। जो चीज़ वहाँ बनाई है वो चीज़ हमें बनाई है, इसलिए इसका बैलेंस है, सिमेट्रिकल बैलेंस। बीच में मिडिल में ताजमहल, साइड में दोनों बिल्डिंग, अगर एक बिल्डिंग बनेगा इसका बैलेंस ये है, चार साइड के साथ मिलता है। और एक बिल्डिंग छोटा वाला ये है, और एक इधर में एक ड्रम हाउस है, म्यूजिक प्लेस। तो शाहजहाँ अपने वर्करों को देखने के लिए आते थे, एक साथ पैदाने से एक तरफ आने से उनका वेलकम होता था। लेकिन ताजमहल यह बनाने का रीज़न ही क्या है, ताजमहल तो बादशाह लोग दुनिया में कहीं बनाते, लेकिन मुगलों के ज़माने में कैपिटल वो आगरा था। उसके बाद उन्होंने शिफ्ट किया था कलकत्ता, अभी कैपिटल दिल्ली है। दूसरा रीज़न क्या है, इसके पीछे रहने का कोई जगह नहीं है। आसमान जो है ब्लू है, वाइट बिल्डिंग दूर से खूबसूरती लगे। तीसरा रीज़न क्या है, इसके पीछे यमुना नदी है, तो वर्करों को पानी की जरूरत पड़ती तो कहाँ जाते। तीसरा रीज़न बनाने का ये। चौथी बात यह है कि ताजमहल का इसमें 3 टाइम में कलर चेंज होता है, जब सुबह में देखेंगे सनराइज में जब चेंज होता है कलर तो पिंक हो जाता है ताजमहल मॉर्निंग में, और जब इवनिंग में देखेंगे सनसेट जब सूरज डूबता है एकदम ताजमहल रेड हो जाता है, और जब मिड नाइट में देखेंगे या खड़ों के मिडल में तो ताजमहल एकदम वाइट मिल्की कलर का, जितने भी जेम स्टोन है इससे चमकते हैं जैसे कि डायमंड चमकते हैं। आइए बाकी का। लिखवा लेता है, उसे लिख लेता है, ऐसा मैन्यूमेंट आप दूसरी जगह पर नहीं बनाएंगे, जस्ट फॉर काउंटर साइन। नेचुरल हाथ नहीं, इसमें वो हाथ की कटने वाली बात होती है। हाँ, मतलब हाँ, नेचुरल हाथ नहीं काटे, उसे लिखवा लेता है, ऐसा मैन्यूमेंट आप दूसरे पर नहीं बनाएंगे। 5 साल में मस्जिद, गेस्ट हाउस, मेन गेट और स्टेप बाद में बनाए। अभी ये लकड़ी का लगा दिया, इसलिए लोग गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, तो लकड़ी का इसलिए लगा दिया। नीचे मार्बल है, सिंगल पीस में यहाँ से पूरा, हाँ पूरा सिंगल पीस ऑफ मार्बल, लकड़ी का इसलिए लगाया जिससे लोग स्लिप नहीं हुए, आराम से चल जहाँ चले। एक फोटो यहाँ से ले लिया अगर चाहे तो मैन एंट्री। एक स्लैब है, सिंगल पीस ऑफ मार्बल पूरा, हाँ जी, सब कार्बिंग का वर्क है, हाथ की खुदाई का, मशीन का काम, मशीन का नहीं। इसका पत्थर का जो मोटाई है वो 6.8 सेंटीमीटर, पतला। इसका जो हार्डनेस है 5.9। ये सब रियल जेम्स लगी, ग्रीन वाला देख रहे हैं चाइना का है, येलो वाला जैस्पर है वो इंडिया का है, ब्लैक वाले ऑनिक्स बेल्जियम का है, रेड वाले कोरल वो इटली का है, एगिट वाला वो इंडिया का है। इसमें 43 तरह के स्टोन थे, 43 सेवर स्टोन,
और उसको 1.5 इंची स्टोन को काटा, सब इसको इनले किया हुआ, कोई पेंट नहीं है, कोई कलर नहीं। अभी यही वर्क होता है, आगरा अलाहाबाद में जाके मिल जाता है, गंगा में, यहाँ से 400 किलोमीटर दूर। अभी जमुना में पानी नहीं है, तब पानी जब जलाएगा, रेनिंग सीजन होता है तो पानी की वायर दिख रहा है ना ऊपर से, पानी यहाँ तक चलता है इसका। अच्छा। तो पूरा ताजमहल फ्रक्चर होता है वहां से, जब आप देखेंगे। अच्छा। दूसरी बात क्या है कि सामने लाल वाला जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये ब्लैक ताजमहल की फाउंडेशन है। तो शाहजहां अपने लिए एक ताजमहल बनाना चाहते हैं फॉर हिमसेल्फ, ये अपनी बीबी के लिए बनाया है, तो वो अपने लिए बनाना चाहते हैं इसी तरीके का ब्लैक मार्बल का। इसके बेटे ने औरंगजेब ने मना कर दिया, क्यों, इसने 4 करोड़ रुपए उस जमाने में बहुत होता है, वो 4 करोड़ रुपए जो खर्च किया है वो पब्लिक का किया, उन्होंने अपने ऑन नहीं किया। तो बोलते हैं बाबा जान आप क्या कर रहे हैं, बोले कि भाई मैंने आपकी माँ के लिए बना दिया लेकिन मैं अपने लिए बना सकता हूँ, बोले आप बना सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन अगर आप अपना पैसा यूज करिए आप 4 मरमर बनाइए, लेकिन पब्लिक पैसे उसके बनाइए, इट्स नॉट फेयर, ये बात अच्छी नहीं है। तो इसलिए उसने अपने बाप को आगरा फोर्ट लाल किले में रखा जेल में, 8 साल वो जेल में रहे, वहां मर गए, तब मुमताज के पास जाके उनको दफन कर दिया। अगर ब्लैक ताजमहल में जाए तो शाहजहां को वहीं दफन करते, क्योंकि ब्लैक मार्बल व्हाइट मार्बल से 10 गुना महंगा था। अब ये ट्रांसपोर्टिंग करने के आते बेल्जियम से तो कितना पैसा खर्च होता, ये तो इंडिया का है, चलिए वहाँ कितना खर्च होता। ये सब कहाँ से लगा है, मतलब मार्बल मकराना राजस्थान से। अच्छा। ट्रांसपोर्टिंग करते थे बाल कैमल के जरिए, हॉर्सेस के जरिए, एलिफेंट के जरिए उस जमाने में। अभी भी ये देखिए सफाई जो करा, पहले ये कहा था नई टेक्नोलॉजी निकाली है, ये लगाया के ऊपर चल गए, देखिए पन्नी चला दिया, मुल्तानी मट्टी लगा दी, ये सब इससे साफ था, वो साफ था, अभी इससे अच्छा हवा नहीं था, इसको लगा के इसमें सफा कर दो, एकदम वाइट हो जाए, तो मुल्तानी मट्टी लगा के पानी डाल दो। जैसे कि बैंड हो रहा है अंदर की तरफ जा रहा है, ओपन बुक, बट एक्चुअली ये बिल्कुल फ्लैट है। ये फाउंडेशन है पानी के कुएं के ऊपर, दो चारों साइड में 223 कुएं, 223 फाउंडेशन, उसमें 3 फुट का लकड़ी लगा हुआ। 3 फुट का लकड़ी का लगने का मतलब है लकड़ी को जितनी नरमी मिलेगी बिल्डिंग उतना ही स्ट्रांग होगी। इसमें कॉपर भी डला हुआ, कॉपर डलने का मतलब है कभी आज कोई नहीं आया। तीसरी बात चीज क्या है कि इसमें 160 फुट गहरे कुएं, इसकी फाउंडेशन 160 फुट गहरे कुएं और 247 फुट का ताजमहल, अराउंड 400 हो गया। तो इसमें हैपनिंग होने का कोई कंसर्न, अभी इसमें कभी आज कुछ आया भी नहीं, ना आया और ना आएगा।